इसके अलावा छठ पूजा में हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों को छठ पूजा में वो छठ पूजा किट देता है, दुर्गा पूजा में साड़ी बांटता है, इसके अलावा दुर्गा पूजा पंडाल में जाता है, हम लोग सब जाते हैं, सबको साथ लेकर के चलता है। ये है सबसे बड़ा गुनाह कि तुम तो मुसलमान हो, दुर्गा पूजा के छठ पूजा दुर्गा पूजा में साड़ी क्यों बांटते हो, छठ पूजा में छठ पूजा किट क्यों बांटते हो, ये है उसका गुनाह। भाई हम सबके बीच मौजूद नहीं है। जैसे आप सभी लोग बड़े भाई से मोहब्बत और प्यार करते हैं, हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं उससे। किस गुना की सजा मिल रही है उसे, आप सबको मालूम होना चाहिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए उसे किस गुना की सजा मिल रही है। जब आप अलोका सिनेमा से अंदर आएंगे तो आप देखेंगे एक शानदार स्कूल, एक शानदार स्कूल, बड़े भाई हम सबके बच्चे बच्चे बच्चियों के लिए हमारे बस्ती के लिए बनवाता है एयर कंडीशन स्कूल, फायर प्रूफ स्कूल, हमारे बस्ती के बच्चे बच्चों के लिए बनवाता है। यह है सबसे बड़ा गुनाह उसका, यह है सबसे बड़ा गलती उसका। सबसे बड़ा गलती यही है कि स्कूल बनवाता है, स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, आला मुकाम पर फायर्स होंगे और हमारे बस्ती का नाम रोशन करेंगे, हमारे वार्ड का नाम रोशन करेंगे, हमारे कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे। यह है सबसे बड़ा गुनाह उसका। जब हमारे बच्चे आला मुकाम पर फायज होंगे तो हमारे लिए तरक्की का रास्ता खुलेगा, तो हमारे लिए तरक्की का रास्ते को बंद करने की साजिश चल रही है, जेल ठूसो अभियान चलाया जा रहा है। जो भी कद्दावर नेता है, जो भी लड़ाकू नेता है, उसको जेल में ठूस दिया जा रहा है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे बड़े भाई का बहुत सारा गलती, बहुत सारा गुनाह है। हमारे बड़े भाई का सारा गुनाह का लिस्ट यहां पे लगाया गया है, आप लोग नजर उठा के देखिए सारा गुनाह का लिस्ट, एक एक करके मैं बताता हूं आपको। उर्दू मीडियम स्कूल हमारे बस्ती के लिए बनवाता है सबसे बड़ा गुनाह, नजरें उठा के देखिए हमारे और हमारे बड़े भाई का गुनाह, गैस सिलेंडर बांटता है, याद होगा आपको चूल्हा जलता था हमारे बस्ती में, आंख में धुआं लगता था, आज किसी की आंख में धुआं लगता है, बोलिए ना भाई, गैस सिलेंडर बांटा है हमारा बड़े भाई हमारे बस्ती के लिए, हमारे बस्ती की औरतों के लिए। सिलाई मशीन बांटता है कि हमारी बस्ती की जो औरतें हैं वो घर में बैठकर दो चार रुपए कमा सके, जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर में बैठकर के कुछ अर्निंग कर सके। हमारे बड़े भाई का और गुनाह है, ईद के दिन कपड़ा बांटता है, नए कपड़े बांटता है हमारे बस्ती के गरीबों में। आपको मालूम होना चाहिए कि इस ईद में हमारा बड़े भाई हम सबके बीच मौजूद नहीं था, वो कैसा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ा होगा, लेकिन हमारे बस्ती के सभी लोग नए कपड़ा पहन करके नमाज पढ़े हैं। जो दूसरों को कपड़ा बांटा है, आपने कभी सोचा वो किस कपड़े में नमाज पढ़ा था इस साल? आपको मालूम होना चाहिए ये भी उसकी गलती है। हमारा बड़े भाई रमजान में रमजान किट बांटता है, इफ्तार का सामान बांटता है सभी गरीब बच्चों बच्ची सभी गरीब बस्तियों में, हमारे बस्ती के लोगों में। आपको मालूम होना चाहिए जो सबको इफ्तार बांटा, रमजान किट बांटा, वो इस रमजान में अपने फैमिली के साथ नहीं था, वो कैसे इफ्तार किया होगा?
आपको ये मालूम होना चाहिए, ये भी गलती है उसका, ये भी गुनाह किया है वो। इसके अलावा स्कॉलरशिप, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है उसका। फर्स्ट टॉपर को 1,00,000 रुपए, सेकंड टॉपर को 75,000 रुपए, थर्ड टॉपर को 50,000 रुपए देता है, उसके बाद 5 टॉपर्स को लैपटॉप देता है ताकि हमारे बच्चे के बच्ची, बस्ती के बच्चे बच्ची पढ़े, अपने असातिज़ा के नाम रोशन करे, अपने टीचर्स के नाम रोशन करे, अपने वालदेन का नाम रोशन करे। स्कॉलरशिप बांटने का ये इंपैक्ट पड़ता है हमारे बस्ती में, ये भी उसका बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे बड़े भाई का गुनाह, रोटी मेकर बांटता है, गली गली में बोरिंग का पाइप लगवाता है, नुक्कड़ नुक्कड़ पे ठंडे पानी का इंतजाम करता है। हमारा बड़े भाई का यह है गुनाह। इमरान भाई को याद होगा, टोटो बांटा गया था यहां से, इमरान भाई उस प्रोग्राम में शामिल थे। यह भी उसका गुनाह है कि गरीब आदमी टोटो चला के 2-4 रुपए कमा लेगा। क्यों ऐसा आदमी हमारे बस्ती में है? ये बस्ती में हमारा रहना नहीं चाहिए, उसे बाहर करके रखो। ये साजिश रची गई है, ये साजिश चल रही है उसके खिलाफ। इसके अलावा अदारा इमदादुल गुरबा को सजा देता है कि हमारे बस्ती के लिए कम पैसे में मैरिज हॉल बन जाए, फ्री कोचिंग सेंटर चलाया जाता है। इमरान भाई ने कहा था, सबसे पहली दफा इमरान भाई आए थे तो इमरान भाई ने कहा था बड़े भाई को कि बड़े भाई आप एक फ्री कोचिंग सेंटर WBCS की तैयारी जो करते हैं उसके लिए बनवा दीजिए। इमरान भाई यहां से गए, 1 हफ्ते के अंदर बड़े भाई कोचिंग सेंटर बनवा। यह है गुनाह उसका। इसके अलावा छठ पूजा में हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों को छठ पूजा में वो छठ पूजा किट देता है, दुर्गा पूजा में साड़ी बांटता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा पंडाल में जाता है, हम लोग सब जाते हैं, सबको साथ लेकर के चलता है। यह है सबसे बड़ा गुनाह कि तुम तो मुसलमान हो, दुर्गा पूजा के छठ पूजा, दुर्गा पूजा में साड़ी क्यों बांटते हो? छठ पूजा में छठ पूजा किट क्यों बांटते हो? यह है उसका गुनाह, आपको मालूम होना चाहिए। मैं बड़े भाई से मिला, बड़े भाई को मैंने बताया। जब बड़े भाई ने मुझसे कहा कि अरे यार जिया, क्या कर दिए हैं, क्या गुनाह कर दिए हैं, क्या आज अपने फैमिली से दूर है? इसी मन से कहा था बड़े भाई ने, इस बस्ती के लोग मेरे परिवार हैं, इस बस्ती की मां बहनों में मेरी मां बहनें नजर आती है। इसी स्टेज से कहा था उसने। वो परिवार के बगैर आज वो है, वो बहुत मिस करता है आप सभी को, दिल से याद करता है। हम लोग जाते हैं, आधा घंटा एक घंटा में उसकी आंखें डबडबा जाती है, हम देखते हैं। आप सबको बहुत याद करता है, आप याद करते हैं बड़े भाई को? आप याद करते हैं? मैंने बड़े भाई से कहा कि आपका ये सब गुनाह है बड़े भाई, आप ये सब जो काम करते हैं यही गुनाह है आपका। तो बड़े भाई ने जानते हैं क्या कहा? अगर ये सब काम करना गुनाह है तो 100 बार मैं करूंगा ये गुनाह। अगर ये काम करने की वजह से मैं जेल गया हूं तो 100 बार मैं जेल जाऊंगा अपने बस्ती के लिए। ये है गुनाह। एक शेर है कि ऊंची ऊंची छत है जिस शहर में वो घर किसका है, ऊंची ऊंची छत है जिसकी शहर में वो घर किसका है, किसने भेजा है ये खत और ये कबूतर किसका है। पहले उसके वार को अपने सीने पर ही झेलेंगे, बाद में ये गौर करेंगे पीठ पे खंजर किसका है, बाद में ये गौर करेंगे पीठ पे खंजर किसका है। कपड़ों पे पेवंद लगे थे, तलवारें भी टूटी थी, कपड़ों पे पेवंद लगे थे, तलवारें भी टूटी थी, फिर भी दुश्मन कांप रहा था, आखिर लश्कर किसका है? ये लश्कर बड़े भाई का है। जोरदार हाथ उठा करके भाई बताइए, ये लश्कर किसका है? ये लश्कर बड़े भाई का है, ये बस्ती बड़े भाई का है। और इस बस्ती में कोई भी हमारी लीडर मोहतरमा शमीमा बानो की जगह लेना चाहेगा, या बड़े भाई का जगह लेना चाहेगा, या बॉस बनना चाहेगा, या भाई बनना चाहेगा, तो उसका पार्टीशन कर दिया जाएगा। नहीं,
क्या कर दिया जाएगा, पार्टीशन कर दिया जाएगा। एक ठो बड़े भाई है, एक ठो हमारा भाई है, एक हमारी मोहतरमा काउंसलर एक्स काउंसलर शमीमा बानो है, उसका जगह कोई नहीं ले सकता। खड़े रहना था, जिस तक शेर पहुंचाऊंगा चला जाएगा। खड़े रहना था जिनको मेरे हक में, मनु भाई खड़े रहना था जिनको मेरे हक में, वो दुश्मन की हिमायत कर रहे हैं। खड़े रहना था जिनको मेरे हक में, वो दुश्मन की हिमायत कर रहे हैं। मैं खुद को टूटने से कैसे रोकूं, मेरे अपने बगावत कर रहे हैं। मैं खुद को टूटने से कैसे रोकूं, मेरे अपने बगावत कर रहे हैं। इस सभा में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने तमाम अहले बस्ती के तरफ से, जिन्होंने भाई भाई जब जेल गया था तो रमजान का वक्त था, आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा रमजान का वक्त था, चिलचिलाती गर्मी थी, प्यास की शिद्दत से आप सभी वाकिफ होंगे, आप सभी रोजेदार हैं। उस कड़कड़ी धूप में जो पहले कतार में जो लोग चल रहे थे, जिसके पीछे हम लोग चल रहे थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जो पहले कतार में लोग चल रहे थे बड़े भाई को बेल दिनवाने के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अपने तमाम अहले बस्ती के लिए मैं नाम लूंगा भाई, उनके लिए ताली जरूर बजाइएगा, बहुत मेहनत किया उन्होंने बड़े भाई को बेल दिलाने में। हमारा क्रांति भाई, हमारा सोनू भाई, हमारा मुन्ना भाई, हमारा चांद भाई, हमारे आजाद भाई, ये सब का बहुत मेहनत था भाई हमारे बड़े भाई को बेल दिलवाने में, आप सबको मालूम होना चाहिए। इन लोगों के लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि शुक्रिया, शुक्रिया ए कौम के सहबाज ए शहपर नसी, शुक्रिया ए कौम के सहबाज ए शहपर नसी, किरदार तेरा बासफा गुफ्तार दिल नशी, शुक्रिया। आप जोर से बोलिए भाई, शुक्रिया अदा कीजिए। ये लोग पहले कतार में थे, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे पता है आप लोग इमरान भाई को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं।